चिकन कढ़ाई पाकिस्तानी स्टाइल। तो अब मैं इसको बनाऊंगा देसी घी में। इसके अंदर जो सबसे पहला प्रोसेस है वो है मिर्ची डालूंगा मैं, और मिर्ची को मैं पूरी तरीके से फ्राई कर लूँगा। फ्राई करके इसको निकाल लेंगे। इसके दो फायदे हैं, एक तो हमारी मिर्च पक जाएगी और इसका कड़वापन, इसका जो तीखापन है वो कम हो जाएगा, और दूसरा मिर्ची का जो पूरा फ्लेवर है वो घी के अंदर आ जाएगा। मिर्ची जो है हमारी फ्राई हो चुकी है, अब इस मिर्ची को मैं निकाल लूँगा बाहर। और सबसे पहले ये चिकन मैंने धो के रखा हुआ है, एक चिकन है 800 ग्राम का, और इसको मैं डाल दूँगा घी के अंदर। अब देखिए चिकन में कलर आ चुका है। अब इसमें छूटते ही मैं सबसे पहले डाल दूंगा टमाटर। आप देख सकते हैं मैंने टमाटर मोटे मोटे ही काटे हुए हैं, आप चाहें तो आप साबुत टमाटर भी डाल सकते हैं, बट इससे क्या होगा थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा प्रोसेस। और साथ ही में इसके अंदर मैं डाल दूंगा अब नमक। नमक डालें हसबे जायका, यानी कि स्वाद के अनुसार। और इसको मैं 5 मिनट के लिए ढक दूंगा ताकि हमारे टमाटर जो है स्टीम के अंदर पक जाएं और फिर ये अच्छी तरीके से मैश हो जाएंगे इसके अंदर। अभी जो है टमाटर हमारे हुए नहीं है इसके अंदर, अभी इसको हम और थोड़ा पकाएंगे टमाटरों को। तो ये देखिए टमाटर भी जो है हमारा पूरी तरह से गल चुका है इसके अंदर, और चिकन भी हमारा इसके अंदर टेंडर हो चुका है। ये देखिए और पकाते पकाते ये और हमारा जो टमाटर है बिल्कुल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा इसके अंदर, गल जाएगा। अब इसके अंदर मैं डालूँगा दही। एक चिकन में मैंने 150 ग्राम के करीब दही डाला, और इसको भी हम अच्छी तरीके से पूरा दही को पकाएंगे, और तब तक पकाएंगे जब तक ये पूरी तरीके से सूख ना जाए और घी हमारा ऊपर ना आ जाए। इस टाइम पे हम इसके अंदर डालेंगे खूब सारा अदरक और हरा धनिया, ताकि इसका भी जो फ्लेवर है पूरा इसकी ग्रेवी के अंदर आ जाए। और इसके मसाले के लिए सबसे पहले मैं ले रहा हूँ ये ज़ीरा, ये साबुत काली मिर्च, साबुत धनिया। इसको जो है मैं दरदरा कूट लूँगा और इस मसाले को मैं इसके अंदर डाल दूँगा। ये सब एक एक टीस्पून है। मसाला डालते ही इसका फ्लेवर जो है बिल्कुल अलग हो गया है। देखिए दही का पानी भी सूख गया है, सूख रहा है, और टमाटर का भी पानी सूख रहा है इसके अंदर। जो इसका अरोमा है ना बिल्कुल हटके आ रहा है। अब इसके अंदर मैं डाल दूंगा मिर्चें जो मैंने फ्राई करी थी। आँच करूँगा हल्की और इसको मैं पकाऊँगा और 5 मिनट के लिए। तो लीजिए हमारी कढ़ाई जो है बिल्कुल तैयार है। इसको हम गार्निश करेंगे हरे धनिया और अदरक के लच्छे के साथ। तो लीजिए हमारी चिकन कढ़ाई बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए। बनाइए इसको और खाइए इसको नान के साथ, बहुत ज़बरदस्त मज़ा आएगा खाने का इसका। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी क्वेरी हो आप मुझे डायरेक्ट DM कर सकते हैं। मेरी आईडी है chef.anirudh80। शेफ अनिरुद्ध रेड्डी साइनिंग ऑफ। थैंक यू।